गुड मॉर्निंग एवरी वन, टुडे 10 दिसंबर 2019। तो स्वागत है आप सभी का द ब्लू स्काई स्टडी पे। सबसे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको लगता है कोई क्वेश्चन पूछना चाहिए या कोई सुझाव देना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप हमें सुझाव दे सकते हो, राइट। तो पहला जो न्यूज़ है कि गर्म माहौल में नागरिकता संशोधन बिल पास। तो कई बार हमने नागरिकता संशोधन को लेकर जिक्र किया है, तो सरकार का कुछ नया पक्ष भी आज जुड़ा है, तो उसको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। नागरिकता संशोधन बिल क्या है, डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लो कि ये लोकसभा में पारित हो चुका है, अब इसे राज्यसभा में पारित होना बाकी है। तो लोकसभा में ये पारित हो चुका है, राइट। तो ये बिल क्या है, ये पहली बात तो ये बिल संशोधन कर रहा है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, नागरिकता अधिनियम 1955 में ये संशोधन कर रहा। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो है तीन जो देश हैं हमारे, तीन जो पड़ोसी देश हैं, एक है अफगानिस्तान, दूसरा है पाकिस्तान और तीसरा है बांग्लादेश। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हमारे तीन पड़ोसी देश हैं, वहाँ के माइनॉरिटी कम्युनिटी, वहाँ के जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी है, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, पारसी हैं और ईसाई हैं। तो वहाँ के 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं, उनको नागरिकता देने के लिए ये प्रोविज़न किया गया। ओके, तो इसका विरोध क्यों हो रहा है, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि विरोध क्यों हो रहा है, विपक्ष का क्या तर्क है, कांग्रेस का क्या तर्क है। तो विरोध का जो सबसे पहला पॉइंट है कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है। जो विरोध कर रहे हैं लोग, उनका कहना है कि ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। भारत के संविधान के आर्टिकल 14 में कहा गया है कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। तो यहाँ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे जो है ये नागरिकता जो दिया जा रहा है वो धर्म के आधार पर दिया जा रहा है, धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए। समानता का अधिकार का उल्लंघन है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है और उसका जो है ये बिल प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन कर रहा है। मानवाधिकार के पक्ष में, क्या ये मानवाधिकार के पक्ष में है, इन द सेंस कैसे, इसको कैसे प्रूफ कर सकते हो आप कि पाकिस्तान में अहमदिया कम्युनिटी जो है और पाकिस्तान में जो सिया कम्युनिटी है वहाँ भी काफ़ी अत्याचार होता है। इसके बाद भी पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में जो है काफ़ी अत्याचार होता है। तो ये सारे के सारे जो कम्युनिटी है ये मुस्लिम कम्युनिटी है, तो पाकिस्तान में मुस्लिम पे भी अत्याचार होता है। तो भारत एक तरफ से कह रहा है कि जो है वो मुस्लिम को जो है नागरिकता नहीं देगा, अन्य जो है 6 धर्म है उनको नागरिकता देगा। तो मानवाधिकार का पक्ष कहता है कि जो प्रताड़ित लोग होते हैं उनको भी नागरिकता देनी चाहिए भारत सरकार को, राइट। धर्म के नाम पे बने देश पाकिस्तान की अच्छी स्थिति नहीं है। तो 1947 में जो है पाकिस्तान की जो शुरुआत हुई है एक धर्म के आधार पे हुई है, एक मुस्लिम राष्ट्र के आधार पे ही पाकिस्तान की शुरुआत हुई है। और ऐसे कंडीशन में पाकिस्तान की आज स्थिति आप देख सकते हो, समझ सकते हो, तो वही स्थिति में भारत भी जा रहा है, ये कहना है विरोध करने वाले लोगों का। और पूर्वोत्तर के अधिकतर लोग विरोध कर रहे हैं। तो पूर्वोत्तर के लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, इस पर न्यूज़ भी आज दिया हुआ है। उनका रीज़न है कि आपने एक तरफ से NRC ले के जो है पूर्वोत्तर से बहुत सारे लोगों को बाहर किया। जैसे मान लो NRC के तहत 19 लाख लोगों का नाम नहीं है, यानी अवैध रूप से 19 लाख लोग असम में रह रहे थे। तो एक तरफ से NRC ला करके असम से लोगों को बाहर कर रहे हो और दूसरी तरफ ये बिल ला करके लोगों को फिर जो है पूर्वोत्तर में कर रहे हो आप, लोगों को पूर्वोत्तर में जो जनसंख्या है उसको बढ़ा रहे हो आप, राइट। तो इसलिए पूर्वोत्तर के लोग काफ़ी विरोध कर रहे हैं। आपको पता होगा कि NRC की मांग के लिए 1971 से जब बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ था और बांग्लादेश अस्तित्व में आया था, तो 1971 से 85 तक जो है असम छात्र संघ ने आंदोलन किया था। यानी 15 वर्ष तक वो लोग आंदोलन कर रहे थे और उनका एक ही मांग था कि जो अवैध रूप से लोग रहते हैं असम में उसको यहाँ से निष्कासित किया जाए, उसको यहाँ से भगाया जाए, निकाला जाए, राइट। तो आज फिर पूर्वोत्तर में जनसंख्या आप बढ़ाओगे इस एक्ट के माध्यम से, इसलिए पूर्वोत्तर के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अब हम सरकार का पक्ष देखते हैं। हमने विपक्ष देखा, हमने देखा कि क्यों विरोध हो रहा है, सरकार इसको क्यों ला रही है उस पर भी हम देखते हैं। सरकार को लाने का एक रीज़न है कि इन देशों में इन समुदाय हैं,
हमने कई तस्वीर देखी है जहाँ पे हिंदू समुदाय को लेकर के, हमने कई तस्वीर देखी है जहाँ पे सिख समुदाय को लेकर के या पारसी को लेकर के उसका धर्मांतरण करवाया जाता है, वहाँ पे उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। तो इसलिए भारत का कर्तव्य है, स्पष्ट तौर पे हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने कहा है कि भारत का कर्तव्य है कि इन्हें नागरिकता दी जाए, चूंकि पड़ोसी देश में प्रताड़ना की जाती है इन धर्मों के आधार पर, राइट। मुस्लिम को लेकर भी उन्होंने कहा कि मुस्लिम को वो नागरिकता क्यों नहीं दे रहे हैं। तो भारत सरकार का कहना है कि ये जो देश हैं, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया या बांग्लादेश हो गया, ये मुस्लिम कंट्री हैं। यानी अगर मान लेते हैं एक हिंदू व्यक्ति है उस पर प्रताड़ना किया जा रहा है, तो प्रताड़ना करने के बाद उसको मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन मुस्लिम को तो मुस्लिम में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा ना। तो ऐसे कंडीशन में जो है मुस्लिम को नागरिकता नहीं दी जा रही है, क्योंकि ये सारे देश जो है मुस्लिम बाहुल्य देश है, मुस्लिम बहुसंख्यक देश है। उसके बाद जो है सरकार का पूर्वोत्तर के लेकर के सरकार जागरूक हुई और सरकार ने यहाँ पे ऐड किया कि पूर्वोत्तर राज्यों में ये लागू नहीं होगा, पूर्वोत्तर के कई राज्यों में ये लागू नहीं होगा, सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा। ऐसा क्यों कहा कि जैसे इस एक्ट में जो है, इस एक्ट में आपने देखा होगा कि ईसाई कम्युनिटी को भी नागरिकता देने की चर्चा की गई है, और पूर्वोत्तर के जो कुछ राज्य हैं वहाँ ईसाई मेजोरिटी में है, जैसे जैसे भारत में, पूरे भारत में जो है सिख कम्युनिटी माइनॉरिटी में है, लेकिन पंजाब में सिख मेजोरिटी में है। तो उसी तरह से पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में जो है ईसाई मेजोरिटी में है, और यही कारण है कि जो है पूर्वोत्तर में ये लागू नहीं होगा, सरकार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया। सरकार घुसपैठियों और शरणार्थियों को स्पष्ट विभेद करेगी, यानी एनआरसी के तहत जो लोग बाहर जा रहे हैं वो घुसपैठिया हैं, ठीक है, और शरणार्थी वो लोग हैं जो प्रताड़ित करके अपने देश से बाहर निकाला गया। तो सरकार ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि घुसपैठिए क्या होते हैं और शरणार्थी क्या होते हैं, इन दोनों में सरकार स्पष्ट तौर पर विभेद करेगी। इसके अलावा जो है छठी अनुसूची के राज्य में शामिल नहीं होगा। तो छठी अनुसूची में कौन कौन सा राज्य है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ पे ये लागू नहीं होगा, पूर्वोत्तर में ही ये लागू नहीं हो रहा, राइट। उसके बाद सरकार का स्पष्ट कहना है कि 2014 से पहले शरणार्थियों को जो भारत में आए थे, 2014 से पहले भारत में जो आ चुके हैं उसको 2020 तक नागरिकता मिल जाएगी। तो नागरिकता के लिए क्या संशोधन हुआ है, सरकार का क्या पक्ष है, क्या विपक्ष है, आपकी क्या राय होनी चाहिए, तो हमने डिटेल से इस पर डिस्कस किया, राइट। योजनाओं के असर नए भारत में बेहतर होगी होती जिंदगी, तो बहुत अच्छा रिपोर्ट है आज का, बहुत अच्छा दिन है आज का। क्यों? क्योंकि 2018 में जो है, 2018 में SDI इंडेक्स में भारत का स्थान था 130वां, 130 पोजीशन पे भारत था SDI इंडेक्स में। 2019 का SDI इंडेक्स आ चुका है और भारत का स्थान है 129वां, यानी 130 से जो है 129 पोजीशन पे हम आ चुके हैं। अभी भी काफ़ी ख़राब पोजीशन है हमारी, लेकिन फिर भी सुधार हुआ है, राइट। तो ये सुधार क्यों क्यों हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि योजनाओं के असर नए भारत में बेहतर होती जिंदगी। तो कुछ योजनाओं का चर्चा है, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गया, आयुष्मान भारत योजना हो गया, कि ये सारे योजनाओं के कारण जो है भारत की रैंकिंग में सुधार आई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है SDI इंडेक्स, आप याद रखना, पहले तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत की रैंकिंग कितनी है, तो 129 पोजीशन पे भारत अभी है SDI इंडेक्स में। दूसरा, इसको जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको जारी करता है। ये दोनों ही क्वेश्चन अक्सर पूछे हैं और कई बार पूछा है, UPSC में भी पूछा। तो SDI इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक हम जानते हैं। SDI इंडेक्स का जो सिद्धांत दिया था वो पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे, एक इकोनॉमिस्ट थे जो अमेरिका में रहते थे, महबूब उल हक जो है पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट हैं जो अमेरिका में रहते थे, इन्होंने ही SDI का सिद्धांत दिया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का सिद्धांत दिया था, और साथ ही साथ भारत के अमर्त्य सेन जो है उसने भी काफ़ी हद तक इसमें योगदान दिया था, राइट। तो दोनों के बारे में कहा जाता है कि दोनों ने मिल के ये काम किया, SDI इंडेक्स को तैयार किया। तो इसका बेसिकली तीन पैमाना है, राइट, कि किसी भी देश में SDI इंडेक्स इम्प्रूवमेंट के लिए तीन पैमाना। पहला तो हेल्थ,
हेल्थ में सुधार होना चाहिए, हेल्थ अच्छा होना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा प्रोवाइड किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। दूसरा है एडुकेशन, यानी शिक्षा, अच्छी से अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, अच्छी से अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। और तीसरा है पर कैपिटा इनकम, यानी लोगों प्रति व्यक्ति आय लोगों की अधिक होनी चाहिए। यही तीन कंडीशन है कि HDI इंडेक्स दिया जाता है, इसी तीनों के आधार पर। और इसी तीनों के आधार पर जो दिया जाता है, सबसे पहला देश विश्व में, सबसे पहला देश जो आता है और लगातार कई वर्ष से ये देश है, इसका नाम है नॉर्वे। फर्स्ट पोजीशन पे है नॉर्वे, सेकंड पे है स्विट्जरलैंड, थर्ड पे है ऑस्ट्रिया और फोर्थ पे है आयरलैंड। इम्पोर्टेंट नहीं है, पहला याद रखना नॉर्वे है। और भारत में कौन है? भारत में केरला है। भारत में जो है केरल है। केरल में जो है हेल्थ और एजुकेशन काफ़ी अच्छी है और पर कैपिटा इनकम भी वहाँ की अच्छी है। तो भारत में केरल, विश्व में नॉर्वे। अवैध हथियार बनाने व रखने पे हो सकती है ताउम्र कैद। तो एक एक्ट कल जो है, एक जो है लोकसभा में पारित किया गया है, पास हो गया है। इसका नाम है शस्त्र संशोधन विधेयक 2019, शस्त्र संशोधन विधेयक 2019। लाइसेंसी हथियार रखने की संख्या सीमित करने के साथ साथ अवैध तरीके से शस्त्र, गोला बारूद और विस्फोटक रखने और बनाने और बेचने वालों के लिए ताउम्र सजा का प्रावधान किया गया। तो शस्त्र अधिनियम जो है, शस्त्र संशोधन अधिनियम 2019 लाया गया है, इसके अनुसार जो शस्त्र रखा जाएगा, यानी जो आप हथियार रखिएगा उसकी संख्या को लिमिटेड किया गया है, तो उसका दुरुपयोग कीजिएगा उस पर सजा को बढ़ाया गया। तो क्या क्या किया गया है थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं इस पर। पहला काम तो ये किया गया है कि न्यूनतम सजा जो है इसको बढ़ा करके 14 वर्ष कर दिया गया। पहले जो सज़ा होता था, मैक्सिमम सज़ा होता था, वो 14 वर्ष की होती थी, अब उसको न्यूनतम कर दिया। यानी आप हथियारों को दुरुपयोग करते हैं, हथियार रखते हैं अवैध रूप से, गोला बारूद का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में अगर आप पकड़े गए तो आपको मिनिमम 14 ईयर की सज़ा होगी। दूसरी है कि पुलिस और सेना के जवानों से अगर आप हथियार छीनते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको उम्र कैद हो जाएगा, राइट? तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है, लापरवाही से हर्ष फायरिंग पे 2 साल कैद का प्रावधान। यानी जैसे आप देखते होंगे कि शादी विवाह वगैरह में जो होता है कि आप विवाह में जो है आप हर्ष के साथ, आप खुशी के साथ जो है फायरिंग कर देते हो, तो उसको भी सजा के दायरे में रखा गया। वहाँ भी आप फायरिंग नहीं कर सकते हो। अगर वहाँ आप पकड़े जाते हो, आप एक्यूज्ड हो जाते हो, तो आप पे 2 वर्ष की सजा हो सकती है या 1 लाख रुपए का जुर्माना का प्रावधान हो सकता है, या दोनों हो सकता है। 2 वर्ष की सजा, 1 लाख जुर्माना, या दोनों, राइट? दूसरी बात क्या है कि अब जो है लाइसेंसी हथियार को हर 3 वर्ष पे रिन्यूअल करना होगा। तो प्रत्येक 3 वर्ष पे आपका जो लाइसेंसी हथियार है वो कैसे काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है, इसका जाके आपको रिन्यूअल करवाना होगा प्रत्येक 3 वर्ष पे सरकार के पास जाके आपको। उसके बाद जो है, इसका जो है खिलाड़ियों, पूर्व सैनिकों पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं जो शूटिंग के खिलाड़ी हैं, तो उसके अपने पास हथियार रखना ज़रूरी है ताकि वो शूटिंग की तैयारी कर सके, तो उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये गृह मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पे क्लियर कर दिया, राइट? यहाँ पे जो दूसरा चर्चा है कि लोकसभा और विधानसभा में SC ST आरक्षण बिल पास, लोकसभा और विधानसभाओं में SC ST आरक्षण बिल पेश। तो लोकसभा में और जो है विधानसभा में आरक्षण एक होता है, SC ST के लिए एक अलग से आरक्षण दी जाती है। जैसे लोकसभा में जो आरक्षण की बात की जाती है SC ST के लिए, तो किसी भी राज्य में जो होता है एक स्पेशल सीट होता है, और उस सीट पे जो है सिर्फ SC कम्युनिटी का सीट होता है, तो सिर्फ वहाँ से SC कम्युनिटी के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। कुछ जगह ST कम्युनिटी का होता है, तो सिर्फ ST कम्युनिटी के लोग ही वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे बिहार का मैं जिक्र करता हूँ कि बिहार में जमुई एक जगह है, वो SC बाहुल क्षेत्र है, SC के लिए वहाँ पे आरक्षित क्षेत्र है। तो वहाँ से सिर्फ SC कैंडिडेट जो होगा किसी भी पार्टी का, मात्र SC कैंडिडेट ही वहाँ से चुनाव फाइट कर सकता है लोकसभा के लिए, राइट? तो इसी तरह से विधानसभा में भी प्रावधान है, कोई सीट जो होता है स्पेशल होता है, SC का होता है। तो ये जो है, ये प्रावधान जो था, ये संविधान जब शुरू हुआ था तो 1960, मात्र 10 वर्ष के लिए इसको चालू किया गया था। 1960 के लिए ही ये व्यवस्था थी।
उसके बाद क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष सरकार जो है, या कह सकते हो सांसद, इसको रिन्यूअल कर देती है। प्रत्येक 10 वर्ष पे सांसद इसको रिन्यूअल करती है। अभी जो है ये प्रावधान 2020 के लिए था, तो ये बिल जो लेकर आया है, इस बिल के माध्यम से फिर इसको 10 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, यानी इस प्रावधान को 2030 तक के लिए जोड़ दिया गया। SC ST लोकसभा और विधानसभा में SC ST के लिए स्पेशल प्रोविजन या आरक्षण, इसको 2030 तक के लिए जोड़ दिया गया है इस बिल के माध्यम से। तो इसमें जो है एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एक एंग्लो इंडियन का, देखो लोकसभा या विधानसभा में जो SC होते हैं या ST होते हैं उसका चुनाव होता है, यानी पर्टिकुलर एक सीट होता है, उस सीट पे जो है उसका चुनाव होता है। लेकिन एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता है, राष्ट्रपति के द्वारा इसका मनोनयन किया जाता है, यानी राष्ट्रपति को लगता है कि लोकसभा में अगर एंग्लो इंडियन की पर्याप्त संख्या नहीं है तो वो 2 व्यक्ति को लोकसभा में चुन सकता है। इसी तरह से राज्यपाल को लगता है कि एंग्लो इंडियन की पर्याप्त संख्या नहीं है तो वो 2 व्यक्ति, 1 व्यक्ति को राज्यपाल विधानसभा में अपनी मर्जी से भेज सकता है एंग्लो इंडियन को MLA बना के, राइट। तो इसमें जो है अब एंग्लो इंडियन को आरक्षण देने की चर्चा नहीं की जा रही है, बात नहीं की जा रही है। क्यों नहीं किया जा रहा है कि कानून मंत्री का कहना है, हमारे देश में जो कानून मंत्री है रविशंकर प्रसाद जी, उनका कहना है कि देश में मात्र 296 लोग ही एंग्लो इंडियन हैं। तो 296 व्यक्ति ही मात्र एंग्लो इंडियन है, और उस 296 में 2 व्यक्ति को लोकसभा में जिता के, लोकसभा में जो है मनोनयन करना राष्ट्रपति के द्वारा, और उसी तरह से राज्य विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा मनोनयन करना कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता। तो थोड़ा हम आर्टिकल देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया था। आर्टिकल 330 क्या है? लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था, यानी लोकसभा का जो सीट होता है, जिस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे वो फिक्स किया जाए कि SC का सीट है या ST का सीट है। उसके बाद आर्टिकल 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण, 2 व्यक्ति को राज्यपाल 2 व्यक्ति को इसी आर्टिकल के तहत MP बना करके लोकसभा में भेज सकती है, सॉरी राष्ट्रपति। इसी तरह से राज्य विधानसभा में SC ST के आरक्षण की बात किया गया 332 में, और 333 में 1 व्यक्ति को MLA बना करके राज्यपाल जो है मनोनीत करके, MLA का मनोनयन करके भेज सकती है आपको राज्य विधानसभा। इसी तरह से आर्टिकल 334 की चर्चा की गई है, तो आरक्षण की जो समाप्ति की प्रावधान है वो आर्टिकल 334 में किया गया, और इसी प्रावधान में संशोधन करके जो है ये सारा का सारा चीज ऐड कर रही है सरकार, राइट। ऑस्ट्रेलिया से विशेष सैन्य समझौते की तैयारी, राइट। तो देखो जिस तरह से जो है भारत ने अमेरिका के साथ किया, भारत ने जापान के साथ किया, कि एक समझौता किया है कि जैसे मान लो भारत का जो सैन्य अड्डा होगा या अमेरिका का जो सैन्य अड्डा होगा, जैसे USA का सैन्य अड्डा डिएगो गार्सिया एक द्वीप है, वो वहाँ पे USA का सैन्य अड्डा है, तो उस सैन्य अड्डा को जो है भारत अब यूज कर सकता है। तो एक इस तरह का स्टेटमेंट जो है भारत और अमेरिका के बीच में इस तरह का एग्रीमेंट ऑलरेडी हुआ है कि जो है आपके जो सैन्य अड्डा वो हम यूज कर सकते हैं, हमारा सैन्य अड्डा कोई आप यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह का जो है जापान के साथ में इंडिया ने किया है, और अब बारी है इसी तरह का एग्रीमेंट साइन करने का ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के जो है प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया आने वाले हैं, और होपफुली इस तरह का समझौता साइन हो जाएगा कि दोनों एक दूसरे का सैन्य ठिकाने का इस्तेमाल कर सकेंगे, हिंद प्रशांत महासागर की मजबूती के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे जो एक एग्रीमेंट है उसका नाम याद रखना, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ साइन किया है। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये साइन होने वाला है, चर्चा में है, गवर्नमेंट कोशिश करेगी इसको साइन करने के लिए जब ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्टॉक मॉरिसन जो है अगले महीने में भारत आएंगे तो, राइट। देखो इसी नागरिकता को लेकर के विपक्ष का तर्क है, विपक्ष क्या बोल रहा है उसका तर्क है, ऑलरेडी हमने डिटेल से डिस्कस किया, हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। और उसी तरह से यहाँ पे पूर्वोत्तर की जो, पूर्वोत्तर में क्यों विरोध हो रहा है नागरिकता को लेकर के, नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर के हमने डिटेल से डिस्कस किया है। एक पॉइंट आप जोड़ सकते हो, देख सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं।
रिपोर्ट दाखिल नहीं होने से एनजीटी खपा संयुक्त सचिव तलब। तो ज़्यादा न्यूज़ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, न्यूज़ से कहीं अधिक इम्पोर्टेंट है एनजीटी के बारे में जानना। और यूपीएससी ने प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा है एनजीटी को लेकर के। एनजीटी क्या होता है? इसे कहा जाता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ये एक स्टेचुटरी बॉडी है, यानी संविधानिक सांविधिक संस्था, ऐसे संस्था जिसका निर्माण किसी एक्ट के माध्यम से हो, संसद के किसी एक्ट के माध्यम से हो, उसे कहा जाता है सांविधिक संस्था। और ऐसे संस्था जिसका निर्माण कॉन्स्टिट्यूशन में किसी प्रोविजन के माध्यम से किया गया हो, उसे कहा जाता है संवैधानिक संस्था। जैसे निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और एनजीटी एक सांविधिक संस्था। तो एक एक्ट के माध्यम से इसका निर्माण किया गया 2010 में, याद रखना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है जिसने अपना एनजीटी बनाया है, जिसने हरित न्यायालय की स्थापना की है। तो एनजीटी जो है सेवन लॉ में डील करता है, ये याद रखना, इसी में कहीं ना कहीं यूपीएससी फंसा देगा आपको। सात लॉ में एनजीटी डील करता है, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस 1977, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट 1991 और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट भी इसे कहा जाता है 2002। तो ये सात एक्ट में एनजीटी डील करता है, इसका नाम बेसिकली आप याद रखना। किसमें डील नहीं करता है? दो इम्पॉर्टेंट एक्ट है जिसमें एनजीटी डील नहीं करता, वो भी जानना जरूरी है। पहला तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में एनजीटी डील नहीं करता है। और यही कारण है कि वाइल्ड लाइफ को लेकर के एनजीटी कभी सरकार को आदेश नहीं देती है, कभी सरकारी संस्थानों को आदेश नहीं देती है। हमने देखा है कि किस तरह से बाघों की संख्या में कमी आई है, देश में बाघ काफ़ी मरे हैं, शेर काफ़ी मरे हैं, लेकिन एनजीटी वहाँ पर खामोश रही क्योंकि एनजीटी के वो दायरे में नहीं आता है, राइट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एनजीटी के दायरे के अंतर्गत नहीं आता। दूसरा है एसटी एंड अदर्स ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 के माध्यम, इसमें भी एनजीटी डील नहीं करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और रीजनल क्वार्टर कहाँ है? चार इसका रीजनल क्वार्टर है, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई चार रीजनल क्वार्टर हैं। चलिए, एक आयुष्मान कार्ड पे जुड़े 196 सदस्य, तो लापरवाही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार इसको पढ़ सकते हो आप। देखो, समस्या की जड़ में जाने से इनकार, ये जो है इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो प्रकाश सिंह है, ये जो राइटर है प्रकाश सिंह, इसके बारे में देखो आप, ये उत्तर प्रदेश और असम पुलिस के महानिदेशक रह चुके हैं, राइट। तो ये डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में और असम में। तो इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि महिला की जिस तरह से अपराध, महिला अपराध बढ़ रहा है देश में, हमने कई घटनाएं देखी है हाल फिलहाल में, तो उसको लेकर के समस्या की जड़ कहाँ है उसको जाकर के सॉल्व करने का, यानी किस तरह से देश में पुलिसिंग गतिविधि को सुधार किया जाए, उसको लेकर के ये बताया है। और हमने डिटेल से डिस्कस किया था कल। तो यदि देश में पुलिसिंग की क्या समस्याएं हैं, नहीं है, तो आपको जानना है तो हमारा कल का वीडियो आप देख लो। समान नागरिक संहिता में बेवजह की देरी, तो इस पे ऑलरेडी हम कई बार डिस्कस किए हैं, लेखक का कुछ नया पॉइंट है, कुछ नया पॉइंट ऑफ व्यू भी है, हम आज उस पे भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखो, समान नागरिक संहिता क्या है? पहली बात तो याद रखना है, भारत के संविधान के आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 कई बार स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा है, आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। यानी इसका अर्थ हुआ कि भारत में सभी धर्मों के नागरिकों के लिए समान धर्मनिरपेक्ष कानून होगा। तो क्या कानून है? नहीं, कानून अभी भी है, लेकिन कानून जो है कुछ चीज़ों को लेकर के लिए कानून नहीं है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति अगर एक्यूज्ड होगा, आर्म एक्स के तहत कोई व्यक्ति एक्यूज्ड होगा, तो उसमें जाति धर्म नहीं देखा जाएगा। बलात्कार के केस में कोई एक्यूज्ड होगा, उसमें जाति धर्म नहीं देखा जाएगा। 302 के तहत उम्र कैद या फांसी के तहत जो कोई व्यक्ति एक्यूज्ड होगा, उसमें जाति धर्म नहीं देखा जाएगा। लेकिन जो है
भारत में देखा क्या गया है कि उत्तराधिकार को लेकर के, विवाह को लेकर के, तलाक का नियम को लेकर के और बच्चों को संरक्षण को लेकर के हर एक धर्म का अलग अलग प्रोविजन है। यानी हिंदू धर्म का तलाक का एक अलग व्यवस्था है, मुस्लिम धर्म का तलाक का अलग व्यवस्था है, ईसाई धर्म के तलाक का अलग व्यवस्था है। तो यहाँ पे कानून सेम होना चाहिए, इसी को कहा गया समान नागरिक संहिता। एक और पॉइंट है कि समान नागरिक संहिता किसी धर्म पे आक्रमण नहीं है, किसी धर्म पे समान नागरिक संहिता आक्रमण नहीं है और ना ही इसका नुकसान पहुंचाना इसका जो है इसका मेन मोटो है। इसका मेन मोटो यह है कि धर्म से बड़ा जो होता है वो देश होता है, धर्म से बड़ा राष्ट्र होता है और राष्ट्र को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, राइट। तो इसका कुछ पक्ष में भी तर्क है, कुछ विपक्ष में भी तर्क है, कई लोग इससे सहमत हैं, कई लोग असहमत हैं। इसलिए जो है इसको जो है डीपीएसपी में शामिल किया गया। तो डीपीएसपी में जो शामिल होता है राज्य के नीति निदेशक तत्व में इसको शामिल किया गया है। यानी जिस समय में संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय में स्पष्ट तौर पे जो है विभेद था लोगों के बीच में, स्पष्ट तौर पे विभेद था कि क्या इसको लागू किया जाए या नहीं किया जाए। इसलिए इसको डीपीएसपी में शामिल किया गया है कि भविष्य में जो है जब व्यक्ति शिक्षित हो जाएंगे, जब राज्य शिक्षित हो जाएंगे तो लोग अपने आप लागू कर लेगा, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुआ। पक्ष और विपक्ष में तर्क है, देखते हैं क्या है पक्ष में। तो पक्ष में क्या है कि भारत के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। तो आपको पता है कि धर्मनिरपेक्षता शब्द को भारत में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में जो है संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। यानी अब सरकार उन्मुख होना चाहती है, धर्मनिरपेक्ष होना चाहती है, पूरी तरह से उन्मुख होना चाहती है। यानी धर्म के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसलिए समान नागरिक संहिता की जरूरत है। दूसरा है कि मूल अधिकारों में विधि के शासन की अवधारणा है, लेकिन इन्हीं अवधारणाओं में लैंगिक असमानता जैसी कुरीतियां भी व्याप्त हैं। हमने देखा है कि लैंगिक असमानता किस तरह से है, किस तरह से महिला और पुरुषों के बीच में भेदभाव है, विभेद है। तो उन सारी परिस्थितियों के भी समाधान है समान नागरिक संहिता। सामाजिक संस्कृति के सम्मान के नाम पे किसी वर्ग की राजनीतिक समानता को हनन करना संविधान के साथ साथ सांस्कृतिक और समाज के लिए भी अन्याय है, और इसलिए भी जो है समान नागरिक संहिता की आवश्यकता। अन्य में भी कह सकते हो धार्मिक रूढ़ियों की वजह से समाज के किसी वर्ग के अधिकारों को हनन को रोका जाना चाहिए और विधि के समक्ष समानता की जो है अवधारणा के तहत सभी के तहत समानता का व्यवहार करना चाहिए। यानी धार्मिक रूढ़िवादिता, जैसे एक मैं जिक्र करना चाहूँगा हलाला को लेकर के, मुस्लिम में जो है ये मुस्लिम धर्म में जो है ये प्रचलित है हलाला, ये काफ़ी रूढ़िवादी है और काफ़ी खराब चीज़ है, ठीक है। तो धार्मिक रूढ़िवादी को अब हटाने की आवश्यकता है, चूंकि भारत में विधि के समक्ष समानता है, हर एक को कानून के समक्ष समानता दिया गया है, कानून के समक्ष कोई भी लिंग जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, इसलिए समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है। उसके बाद जो है वैश्वीकरण में महिलाओं की भूमिका समाज में महत्वपूर्ण हो गई है और इसलिए भी समान नागरिक संहिता की आवश्यकता। उसके बाद जो है सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति पे समान अधिकार और मंदिर में प्रवेश को लेकर के समान अधिकार दिया। हमने देखा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस तरह से मंदिर में सभी महिलाओं को प्रवेश करने का समान अधिकार दिया है। केरल में हमने देखा है इस तरह का चीज़ों को लेकर के संपत्ति पे समान अधिकार दिया है महिलाओं को। तो इसलिए भी समान नागरिक संहिता की जरूरत है कि ताकि हर एक जगह ये चीज़ लागू हो जाए। आर्टिकल 44 में बहुत अच्छा स्टेटमेंट था बाबा साहेब अम्बेडकर का, याद रखना। जब आर्टिकल 44 का डिस्कशन हो रहा था संविधान सभा में कि इसको लागू किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, तो बाबा साहेब अम्बेडकर का कहना था कि धर्म को इतना विस्तृत और व्यापक क्षेत्र नहीं दिया जाना चाहिए कि संपूर्ण जीवन पे कब्जा कर ले और विधायिका को इस पर हस्तक्षेप नहीं कर सके। यानी कई जगह ऐसा होता है कि जहाँ धर्म गलत है वहाँ पर विधायिका हस्तक्षेप नहीं कर सके, ऐसा नहीं, इतना शक्तिशाली नहीं दिया जाना चाहिए। जैसे तलाक जैसी व्यवस्था जो थी एक गलत कुरीति थी, मुस्लिम धर्म में ट्रिपल तलाक एक कुरीति थी और वहाँ पे जो है विधायिका हस्तक्षेप नहीं कर पाती थी। इसी तरह से हलाला जैसी प्रथा जो है मुस्लिम धर्म में एक कुरीति है और वहाँ पे विधायिका जो है वहाँ पे जो है इंटरव्यू नहीं कर पाती है। इसी तरह से केरल में जो है सबरीमाला टेम्पल जो था वो एक कुरीति थी, राइट। वहाँ पे महिलाएं प्रवेश नहीं कर पाती थी तो वहाँ पे विधायिका हस्तक्षेप नहीं कर पाती थी। तो इतना शक्ति नहीं देना चाहिए किसी भी धर्म को कि वो अधिक मजबूत हो जाए, वो राष्ट्र से अधिक मजबूत हो जाए।
वो विधायिका या सांसद उसमें हस्तक्षेप ना कर पाए। तो ये बाबा साहेब अम्बेडकर का स्टेटमेंट कहीं भी आप इसको कोट कर सकते हो। उसके बाद जो है, वर्तमान में महिला अपराध की समस्या जो वर्तमान में देश भर में व्याप्त है, किस तरह से हम देख रहे हैं लैंगिक आधार पर असमानता है देश में, महिला अपराध को लेकर के, रेप को लेकर के किस तरह से देश में लोगों के बीच आक्रोश है, इसको भी समाधान करने का एक तरीका है समान नागरिक संहिता, राइट। विपक्ष में क्या तर्क है? तो विपक्ष में भी काफ़ी तर्क है। पहला तर्क यह है कि सामाजिक सांस्कृतिक की विशेषता वरीयता दी जानी चाहिए, क्योंकि समाज में धर्म के असंतुष्ट होने से अशांति की स्थिति बन सकती है, इसलिए सामाजिक संस्कृति के लिए भी, यानी समाज में किसी तरह का असंतुष्टि ना हो, सामाजिक संस्कृति फैली रहे, अच्छी रहे भारत में, इसलिए भी जो है समान नागरिक संहिता नहीं आनी चाहिए। दूसरा क्या गया है कि भारत जैसे विविधता वाले देश में यह सही नहीं है, यानी भारत जो है विविधताओं का देश है, प्रत्येक 10 किलोमीटर के बाद जो है भाषा चेंज हो जाती है, ऐसी जगह पे यहाँ पे जो है समान नागरिक संहिता नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपना धर्म, अपनी संस्कृति मानने का अधिकार अपने अनुसार होना चाहिए, राइट। समान नागरिक संहिता का मुद्दा किसी सामाजिक या व्यक्तिगत अधिकार के मुद्दे से हट के एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, ये भी इसके निगेटिव पॉइंट है, नकारात्मक पॉइंट है। और जो है आर्टिकल 25 का, चूंकि ये हनन करता है भारत के संविधान के, आर्टिकल 25 में धार्मिक आज़ादी की बात कही गई है, उसका यह प्रत्यक्ष तौर पे हनन करता है, इसलिए समान नागरिक संहिता नहीं आनी चाहिए। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में और कई बार इस आर्टिकल को जब आप पढ़ोगे तो इसमें दिया है कि 1985 का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि साहबानो केस उसी समय में आया था, राजीव गांधी की सरकार थी, साहबानो केस आया था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा कि आर्टिकल 45 मृत हो चुकी है, मर चुकी है, इसको जो है क्रियान्वित किया जाना चाहिए। और कई बार सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देशित दिया, उसके बाद सांसद को निर्देशित किया कि आप आर्टिकल 45 को जो है, 44 को जो है लागू कीजिए, यानी समान नागरिक संहिता की ओर आप बढ़िए, इसकी ओर आप अग्रसर होइए, राइट। लॉ कमीशन का भी कुछ इसी तरह का पक्ष है। तो लॉ कमीशन का कहना है, 2016 में लॉ कमीशन जो है इस चीज़ को लेकर के लॉ कमीशन का गठन हुआ था, और लॉ कमीशन का कहना है कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 के बीच में एक द्वंद्व है। समान नागरिक संहिता एक तरफ आर्टिकल 14 में है कि कानून के समक्ष समानता होगा, और दूसरी तरफ से धार्मिक आज़ादी की बात करता है आर्टिकल 25। तो ये दोनों के बीच में एक द्वंद्व है, दोनों एक दूसरे के साथ जो है कह सकते हो परस्पर एक दूसरे का विरोध करता है, राइट। उसके बाद जो है विधि आयोग के अनुसार समाज में असमानता की स्थिति उत्पन्न होने वाली समस्त रूढ़ियों की समीक्षा की जानी चाहिए, इसलिए सभी निजी कानून प्रक्रियाओं और संहिताबद्ध करने की जरूरत है, जिससे उससे संबंधित पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी तथ्य सामने आ सकें। यानी जो है समाज में जो है अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग जो कानून है, तलाक को लेकर लिए अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून है, बच्चों को संरक्षण देने के लिए अलग अलग धर्मों का अलग अलग कानून है, तो उसको जो है संहिताबद्ध करके उसकी जो रूढ़िवादी चीज़ें हैं उसको दूर करने की आवश्यकता है। देखो, सुनिश्चित हो न्याय मिलने की समय सीमा, तो ये स्टेटमेंट जो लिखा गया है ये पॉलिटिकल है। महिला की सुरक्षा को लेकर के लगातार देश में चर्चा है, और लगातार ये चर्चा है कि समय सीमा पे जो है न्याय मिलना चाहिए। आर के सिन्हा हैं, सदस्य हैं, राज्यसभा के हैं, बिहार के हैं, और एमपी हैं, बीजेपी के एमपी हैं। तो इनका जो स्टेटमेंट है पॉलिटिकल है, काफ़ी ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया है। बेसिक पॉइंट जो यहाँ पे आपको पढ़ना चाहिए वो पुलिस और नागरिकों के संबंध सुधार को लेकर के आपको पढ़ना चाहिए। अगर पुलिस का रिफॉर्म्स कैसे करना चाहिए, क्या पुलिसिंग रिफॉर्म्स है, धर्मवीर भारती समिति के क्या रिकमेंडेशन रही है, उसके बाद जो है कल हमने डिस्कस किया था सोली सोराबजी कमेटी जो है 2006 में आई थी, और उसी के आधार पे 2006 में ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है कुछ गाइडलाइन दिया था, वो गाइडलाइन क्या है तो उसको देखना है, तो कल का आप न्यूज़ एनालिसिस देख सकते हैं। पहला ही न्यूज़ हमने डिटेल से डिस्कस किया था पुलिसिंग को लेकर के, राइट। तो वहाँ से आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मलेरिया के मामले कम हुए और सुधार की आवश्यकता, तो WHO का एक रिपोर्ट आया है, WHO का एक रिपोर्ट आया है डाटागिरी। देखो, ये जो सेक्शन होता है ये डाटागिरी होता है,
डाटा गिरी होता है, और प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ डाटा यहाँ पे दिया रहता है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक रिलेवेंट है। मेंस में भी आप इसको कोट कर सकते हो। तो यहाँ पे WHO का जो रिपोर्ट आया है, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2019 में भारत में मलेरिया के मामलों में कमी देखी गई है, ये कहा गया। दूसरी बात क्या है कि जो है ये 90% मामले जो है केवल 7 राज्यों में है। भारत में 90% मामला जो है केवल 7 राज्यों में है। उन राज्यों में है उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, गुजरात, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। यहाँ सबसे अधिक मामले हैं, राइट। और विश्व में जो है सबसे अधिक प्रभावी देश है उसका नाम है अफ्रीका। अफ्रीका में सबसे अधिक जो है अभी भी मलेरिया है। और अफ्रीका में ही एक कंट्री का नाम याद रखना, मलावी। मलावी विश्व का पहला मलेरिया को लेकर के टीका जो है मलावी देश में ही लॉन्च किया गया है। मैं टीके का नाम एग्जैक्टली याद नहीं मुझे आ रहा है, आप नेट पे जाकर के इसको देख सकते हो। लेकिन मलावी कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है, जहां विश्व का पहला टीका लगा है मलेरिया का। देखो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका नाम है सिप्री, इसको कहा जाता है SIPRI, सिप्री कहा जाता है, यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक एनजीओ है, और इस एनजीओ के मुताबिक जो है दुनिया भर में जो हथियार खरीदे गए 2018 में, उसमें 5% की वृद्धि आई है। यानी हथियार की संख्या दुनिया में सबसे अधिक बढ़ रही है, घट नहीं रही है, बढ़ रही है। और उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है अमेरिका का है। तो सिप्री के बारे में याद रखना, सिप्री कई अन्य सारी रिपोर्ट भी जारी करती है। सबसे अधिक शक्तिशाली देश कौन सा है, हथियार सबसे अधिक किसके पास है, ये सारी रिपोर्ट जारी करती है। लेकिन यहाँ पे जो कहा गया है कि 5% हथियार की जो वृद्धि हुई है उसमें सबसे अधिक योगदान है अमेरिका का, दूसरा है रूस का। इसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संबंध है, और उस संबंध के कारण जो है अप्रत्यक्ष तौर पर मैं कहूँ कि इन देशों को फायदा होता है, अमेरिका, रूस और चीन वगैरह को फायदा होता है, क्योंकि ये अपना हथियार इन देशों को बेचते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर द्वंद होता है, फाइट होता है, टेंशन होता है, तो भारत भी अधिक हथियार खरीदता है और पाकिस्तान भी अधिक हथियार खरीदता है, और उससे कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष तौर पर फायदा होता है अमेरिका को, प्रत्यक्ष तौर पे फायदा होता है रूस को, प्रत्यक्ष तौर पे फायदा होता है चीन को। सस्ते कर्ज के लिए लघु बजट दरों में कटौती का आरबीआई ने दिया सुझाव। तो आरबीआई ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि लघु बचत दरों में जो है जो है इसमें सुझाव दिया है, सुधार कीजिए। हमने देखा है कि एमपीसी का मीटिंग हुआ, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई, एक 6 सदस्यीय ये समिति है, 6 सदस्यीय समिति है। यूपीएससी ने डायरेक्टली पूछा था कि इसी पे पूछा था कि कितनी सदस्यीय समिति है, तो याद रखना 6 सदस्यीय समिति है। इसमें 3 सदस्य सरकार के होते हैं और 3 सदस्य होते हैं आरबीआई के। तो आरबीआई ने यहीं पे इसी मीटिंग में आरबीआई ने रेपो रेट कम नहीं किया, लेकिन उन्होंने सुझाव दिया कि जो है लघु बचत दरों में जो है आरबीआई जो है सरकार उसमें कटौती करना चाहिए, राइट। तो लघु बचत योजना क्या क्या है, तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कुछ योजना का नाम दिया हुआ है। सुकन्या समृद्धि योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम और किसान विकास पत्र, ये सब जो है लघु विकास योजना। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखोगे, केंद्रीय बैंक ने यानी आरबीआई ने मंत्रालय को सुझाव दिया है कि छोटी बचत योजनाओं का विकास दरों में कटौती की जाए। तो ये कटौती का जो है सुझाव जो दिया है सरकार को दिया है, और इन सारी जो योजनाएं हैं ये रेगुलेट होती हैं वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो याद रखना, इस पे जो भी डिसीजन लेगा, भले ही इसका ब्याज दर घटाएगा या बढ़ाएगा, वो निर्णय होता है हमेशा वित्त मंत्रालय का। ओके, बंदर हीरा खाद्यान्न की दौड़ में अडानी, रंगुटा और बिरला इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बंदर हीरा खदान कहाँ है वो अधिक इंपॉर्टेंट है। MPPSCS का जो है प्रीलिम्स आने वाला है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पड़ता है बंदर हीरा खदान, राइट। बंदर हीरा खदान कहाँ है, मध्य प्रदेश के जो है छतरपुर जिले में।
देखो, निवेश बढ़ाने के लिए घटा है कॉरपोरेशन टैक्स। तो पहले बात तो इसका नाम याद रखना, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है, मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत सरकार के हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि सरकार जो कॉरपोरेशन टैक्स घटाई है, कितना की है, तो 30% से सरकार ने घटा करके 22% कर दिया है, और 15% कर दिया है नए जो उद्यम लगे हैं सितंबर 2019 के बाद। तो इसका मेन मकसद है कि निवेश बढ़ाना। तो हमने कई बार निवेश चक्र डिस्कस किया है आपसे कि किस तरह से अगर निवेश बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो सेविंग बढ़ेगा, और सेविंग अगर अधिक होगा तो फिर निवेश अधिक होगा, यानी इन्वेस्टमेंट अधिक होगा। और सरकार का बेसिकली यही पर्पस है कि निवेश चक्र मूव किया जाए, ताकि इकोनॉमी में जो है सुस्ती है वो सुस्ती दूर हो सके। तो निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ही सरकार ने कॉरपोरेशन टैक्स में कमी की है, राइट। देखो, फिनलैंड की सना मारिया बनेगी दुनिया की सबसे युवा पीएम, इसका नाम आप देख लो। ये जो है, ये शख्स जो है, इनका नाम है सना मारिया। तो आप याद रखना, ये फिनलैंड की है, सबसे कम उम्र में प्राइम मिनिस्टर बनने वाली शख्स हो जाएंगे। राजीव गांधी वगैरह का नाम इससे पहले आता था, लेकिन अब इनका नाम आएगा सना मारिया, दुनिया के सबसे कम उम्र की पीएम, राइट। देखो, हांगकांग के बारे में ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो डेली आती है पेपर में, तो लगातार हम उस पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं, प्रत्येक दिन हम उस पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं। कई बार हमने डिस्कस किया है हांगकांग को लेकर के, क्या इशू है, बेसिक वो जानो। इस तरह से आंदोलन हांगकांग में अभी चलता रहेगा। सिस्टम में गड़बड़ी से OIC कार्ड धारक हो रहे हैं परेशान। तो OIC क्या होता है, मैं ये बता दूं आपको। OIC जो है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको कहा जाता है। OIC क्या होता है, जैसे 90 संविधान लागू होने के बाद, 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद, कोई व्यक्ति, अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई व्यक्ति का जो है बेटा या पोता जो है, मान लेते हैं किसी देश में रहता है, बाहर में किसी देश में, अमेरिका में रहता है, तो अगर उनको वहाँ की नागरिकता मिल जाती है, तो वैसे कंडीशन में OIC जो है सरकार जारी करती है, यानी वो आसानी से जो है भारत में आकर के रुक सके, भारत में जो है उसको नियमों में छूट दी जाती है। यानी वैसे व्यक्ति जो आज़ादी के बाद जो है, जो भारत के नागरिक पूरी तरह से बन गए, और उसका बेटा या पोता वगैरह रहता है कहीं किसी देश में रहता है, या मान लेते हैं कि अमेरिका में रहता है, तो उसको OIC वीज़ा दिया जाता है, ताकि वो आसानी से इंडिया में आ सके। उसको जो है एयरपोर्ट एयरपोर्ट वगैरह पर उतनी चेकिंग उसको नहीं की जाए, राइट। तो इसलिए उसको OIC मिलता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया उसे कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका की जोजी बेनी टुंडी, नाम भी काफ़ी टिपिकल है लेकिन पूछ देगा। प्रीलिम्स पॉइंट में कई बार पूछता है, स्टेट पीसीएस में कई बार पूछता है, यूपीएससी में नहीं पूछेगा। तो दक्षिण अफ्रीका की जोजी बेनी टुंडी बनी मिस यूनिवर्स, नाम याद रखना, जोजी बेनी टुंडी कहाँ की है, दक्षिण अफ्रीका की है, मिस यूनिवर्स बनी है। तो चलिए, आज हमारे पास इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल लाइक कर लेना, ज्वाइन कर लेना, बहुत बहुत धन्यवाद, और अधिक से अधिक लोगों तक इसको आप शेयर करो, थैंक यू।